नमस्कार, मैं दिव्या दरोजर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के प्रमुख खबरों को। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। खबर आ रही है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सूत्रों की माने तो नाबालिग पहलवान ने कोर्ट में अपनी शिकायत वापस ली है। गंगा नदी पर बन रहे पुल के सुपर स्ट्रक्चर दूसरी बार गिरने के बाद सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत पथ निर्माण विभाग को पुल के सुपर स्ट्रक्चर टूटकर गिरने की घटना की विस्तृत जांच कराने और दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज गिरे निर्माणाधीन पुल जिसके त्रुटिपूर्ण डिजाइन पर IIT रुड़की के विशेषज्ञों की गहन जाँच भी चल रही थी, आशंका थी कि यह गिर जाएगा। कांग्रेस के राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर, इस यात्रा के छठवें दिन उन्होंने न्यूयॉर्क में अप्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे घर यानी भारत में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है, एक हमारी और दूसरी जिसका BJP और RSS प्रतिनिधित्व करती है। आसान शब्दों में समझाया जाए तो एक तरफ विचारधारा महात्मा गांधी की और दूसरी तरफ नथुराम गोडसे की। सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ न्याय मांग रहे पहलवानों ने अब आखिरी दाव लगाने की तैयारी कर ली है। अब तक पंचायत खेल रहे किसान संगठनों को एकजुट नहीं होते देख पहलवानों ने अब खुद महापंचायत करने का निर्णय लिया है। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने हरियाणा के सोनीपत के गोहाना के मुंडलाना में किसान यूनियन के चरूनी ग्रुप की हुई पंचायत में साफ कह दिया है कि लड़ाई को मुकाम तक ले जाया जाएगा। टाटा की एयर इंडिया ने भी फरवरी के महीने में सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की थी। उस समय एयर इंडिया ने 470 विमानों का ऑर्डर दिया था। इंडिगो की यह डील अगर फाइनल हो जाती है तो अपने बेड़े में एयरक्राफ्ट शामिल करने की दौड़ में टाटा को काफी पीछे छोड़ देगी। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले ओलंपियन पहलवानों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने शाह से मिलकर बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में उनका लोगों ने बड़े ही जोश के साथ स्वागत किया है। वहीं राहुल गांधी को विरोध का सामना भी करना पड़ा है क्योंकि कुछ खालिस्तानियों के एक समूह के सदस्यों ने राहुल गांधी के गो बैक जाने का नारा लगाया। अमेरिका दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा और कहा है कि वे भविष्य के बारे में कभी बात नहीं करते और हमेशा अपनी विफलताओं के लिए अतीत में किसी न किसी को दोष ही ठहराते हैं। वही ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने ओडिशा ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों की आत्मा के शांति के लिए एक मिनट तक मौन रखा। मोदी सरकार की तरफ से विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने पर लगातार काम किया जा रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में लगातार FDI में इजाफा हो रहा है। अमेरिकी फर्म DocuSign के नवनियुक्त भारतीय अमेरिकी अध्यक्ष रॉबर्ट चटवानी ने कहा है कि मोदी सरकार ने तकनीकी कंपनियों से FDI आकर्षित करने पर बहुत अधिक जोर दिया है। यही कारण है कि वैश्विक कंपनियों के लिए एक दशक पहले के मुकाबले भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आसान हो गया है। TV के दिग्गज कलाकार गुफी पेंटर का आज निधन हो गया। एक्टर को दिल और किडनी की बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। एक्टर ने 78 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। एक्टर के निधन से पूरी इंडस्ट्री शोक में है। गुफी पेंटर ने कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया है लेकिन उनके काम को पहचान BR चोपड़ा की महाभारत से मिली थी। एक्टर ने महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाया था। आप दिन भर मोबाइल का खूब इस्तेमाल करें बावजूद इसके ना तो मोबाइल की बैटरी खत्म हो और आपको अपने मोबाइल को चार्ज भी ना करना पड़े। मोबाइल के अलावा आप घर, ऑफिस और सफर में लैपटॉप का भरपूर इस्तेमाल करें और फिर भी उसे चार्जिंग के लिए घर, दफ्तर या ट्रैवल के दौरान चार्जिंग सॉकेट से जोड़ने की जरूरत ना पड़े तो कितना अच्छा हो। पहली नज़र में नामुमकिन दिखने वाला यही बात जल्दी हकीकत में बदल सकता है। देश के अग्रणी तकनीकी शिक्षण संस्थान IIT ने इसको लेकर बेहद महत्वपूर्ण रिसर्च की जा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को निर्देश दिया कि उत्पादकों के लिए सरकार की तरफ से दूध खरीद की निर्धारित कीमत को कम ना करें। उन्होंने कहा कोई अचानक कीमतों में कटौती नहीं कर सकता, इसको लेकर कोई भी फैसला सरकार से बातचीत के बाद लिया जाना चाहिए। सरकार के बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के प्रबंध निदेशक से इस बाबत बात की है। अगर मूल्य में कटौती होती है तो किसानों को नुकसान होगा, इस बात का ध्यान रखें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। इस दौरान आगामी चुनाव, महिला सशक्तिकरण, अन्य क्षेत्रों में चल रहे प्रोजेक्ट आदि को लेकर चर्चा की गई है। इस बात की जानकारी CM शिंदे ने ट्वीट करके दी है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर विवादित बयान दिया है। संजय राउत ने सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया। संजय राउत ने कहा कि पहले आला कमान महाराष्ट्र में था, लेकिन अब शिंदे का आला कमान दिल्ली में है। उन्होंने कहा वह बाला साहेब और शिवसेना के बारे में बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में मुजरा करते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के सिरपुर और यशवंत सागर तालाब का वर्चुअल निरीक्षण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने पर्यावरण के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारत अपने विकास के लिए किसी अन्य क्षेत्र की तरह बड़े पैमाने पर पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लिंडा याकर इनो आज से ट्विटर के नए सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। एलन मस्क का लक्ष्य टेस्ला और स्पेसएक्स पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है। एनबीसी यूनिवर्सल में ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एंड पार्टनरशिप के पूर्व अध्यक्ष याकर इनो ने ट्विटर पर उनके साथ काम करने के लिए एनबीसी यूनिवर्सल के कार्यकारी उपाध्यक्ष जो बिना रोज को भी काम कर रखा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में रविवार देर रात छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बिना रोज याकर इनो के भरोसेमंद सलाहकार रहे हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट रेलवे में अपनी जॉब पर लौट गए। हालांकि इस बीच साक्षी मलिक ने पहलवानों के आंदोलन से पीछे हटने की खबर से इनकार कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर खबरों का खंडन किया है। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार को हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे में 275 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद विपक्ष रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव पर हमलावर और इस्तीफा मांग रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जब मैं रेल मंत्री था तब पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई थी। मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मेरा इस्तीफा स्वीकार करने को कहा। पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन इस नई सरकार ने अलग रेल बजट को खत्म कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आज सोमवार को मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत खारिज कर दी है। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। वही दुर्घटना के 51 घंटे बाद बालासोर में दोनों डाउन लाइन शुरू हो गई है। पहले गलवान घाटी और फिर अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश के दौरान इंडियन आर्मी से बुरी तरह पिटने वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना पीएलए ने कहा है कि चीन की सेना के लिए भारत कोई खतरा नहीं है। साल 2027 तक पीएलए के दुनिया में सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू बल बनने का लक्ष्य रखा है। सिंगापुर में चले सांगरिया डायलॉग के दौरान पीएलए के प्रतिनिधियों ने भारत को लेकर ये बयान दिया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को कोलकाता एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। बताया जा रहा है कि रुजिरा बनर्जी कोलकाता से दुबई के लिए फ्लाइट पकड़ने वाली थी। ईडी ने 2 दिन बाद रुजिरा को पूछताछ के लिए समन दिया। ऐसे में रुजिरा को कोलकाता एयरपोर्ट पर रोके जाने को इसी से जोर कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक रुजिरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस है, इसी वजह से उन्हें कोलकाता एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने रोका है। कोलकाता एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने रुजिरा को रोकते हुए कहा कि वह विदेश यात्रा नहीं कर सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले सप्ताह मणिपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद हालात का जायजा लेने 4 दिवसीय यात्रा पर है। उन्होंने रविवार को राज्य के लोगों से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से अवरोध हटाने की अपील की, ताकि आवश्यक वस्तुओं, परिवहन, ईंधन और दवाओं को बिना किसी परेशानी के राज्य में पहुंचाया जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा को कोई हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वह अपना हिस्सा देने को तैयार है, जिस पर सीएम मान ने कहा कि कल को आप पंजाब का भी मोल लगा लेंगे। भारत किसी भी आक्रमण को विफल करने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर अपने बुनियादी ढांचे का मिलान कर रहा है। सीमा सड़क संगठन के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने कहा है कि देश की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की परियोजनाएं सरकार की पहली प्राथमिकता है। WFI के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की पहलवानों की मांग के बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी की है कि भाजपा सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और सिर्फ एक हल्की चार्जशीट दाखिल कर उन्हें जमानत दे दी जाएगी। पिछले कुछ समय में सबसे ज्यादा बैंकिंग ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ठगों के नए तरीके तो आम आदमी के समझ से बिल्कुल परे हैं। कई ऐसे मामले सामने आए जो सोचने पर मजबूर करते हैं। ठगी के नए तरीकों में अपने फोन पर OTP भेजकर बैंक अकाउंट में सेंध लगाने से लेकर UPI पेमेंट के लिए QR स्कैन करवा कर ठगी करने और कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर पर आपकी जेब से पैसा निकलवाने की कोशिश की जा रही है। बैंक और RBI भी लगातार अपने ग्राहकों को सतर्क करते रहते हैं। साथ ही बैंक इसी तरह ऑनलाइन ठगी होने के तुरंत बाद बैंक को सूचना देने की सलाह देते हैं। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में कम से कम 275 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे की वजह का पता लगाने के लिए CBI जांच की सिफारिश की गई है। वही रविवार को एक और रेल हादसा सावधानी की वजह से टल गया। तमिलनाडु में कोल्लम जंक्शन से चलने वाली चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस के एक कोच में क्रैक आ गया था, जिसे समय रहते रेलवे कर्मचारियों ने देख लिया। कोच में पहिए के ऊपर बेस में यह दरार थी।
कैंसर ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही व्यक्ति की रूह कांप जाती है। इस बीमारी के साथ सबसे बड़ी दुविधा यह है कि इसका पता देरी से चलता है, जब तक कैंसर की कोशिकाएं शरीर में फैल चुकी होती हैं। दुनिया में लाखों लोग कैंसर से पीड़ित हैं, साथ ही इस बीमारी के मामले में आधुनिक जीवन शैली के साथ अनुपातिक रूप से बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक और डॉक्टर डायग्नोसिस और चिकित्सा की नई विधियों पर काम कर रहे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और नेशनल सर्विस ने अनुसंधान के बाद दावा किया कि खून की जांच से ही कैंसर का शुरुआती दौर में पता लगाया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों को साथ लाने की तैयारी में है तो विपक्षी भी एकजुट होने की कवायद में है, लेकिन विपक्षी दलों के प्रमुखों की तारीख ना मिलने के चलते विपक्षी नेताओं की बैठक चलती जा रही है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अमन कुमार कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद साकिर हुसैन, आनंद यादव, जितेंद्र ठाकुर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपने अपने जीवन काल में कितने पौधे लगाए हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।